फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च और खीरे की सब्जी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा लेंगे और उसे गरम कर लेंगे। जब वो गरम हो जाएगा तो उसमें हम 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे। जब तेल हल्का गरम हो जाएगा तो हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। फिर हम इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल के मिला लेंगे। और फिर हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे ताकि मसाले का कच्चापन चला जाए और इसको फ्राई कर लेंगे। जब मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें ये छोटे टुकड़ों में कटी हुई शिमला मिर्च और खीरे को डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। और इसे फिर से मिला लेंगे। और फिर हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। और इसे एक बार फिर से मिला के इसे हम ढक देंगे और इसे हम करीबन 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 20 मिनट बाद हम इसे खोल के चेक कर लेंगे। ये देखिए, अब ये सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल के इसे मिला लेंगे। शिमला मिर्च और खीरे की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप कम समय में बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। अब हमारी सब्जी एकदम रेडी है। आप इसको गर्मा गर्म बेसन की रोटी और दही के साथ सर्व करें। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर जो आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे बाकी वीडियोज़ देखने के लिए आप इन इमेज लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।